हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आहा जिंदगी ट्रिकी मैथ्स। इस लेक्चर में हम भाग विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं वो चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, हमें दी हुई संख्या एक है, उसका वर्गमूल ज्ञात करना है। संख्या है आपका 117,649। तो देखिए कैसे करते हैं, हम इसे भाग विधि द्वारा करेंगे। ठीक है, तो पहले हम संख्या को लिख लेते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, इकाई ओर से और दाई ओर से हम जोड़ा बना लेते हैं। दो दो अंकों का जोड़ा होता है, तो 11, 76, 49। तो इकाई ओर से हम दो दो का जोड़ा बना लेंगे। अब देखिए हमें क्या करना है, भाग जब देंगे तो जोड़ा वाइज देना है। तो अब 11 को किससे भाग करेंगे, तो देखिए 3 से हम भाग कर सकते हैं। 3 3 9 होता है। क्या यहाँ करते हैं, जैसे 3 है तो 3 से ही हमें गुणा करना है। ठीक है, वर्गमूल जब भी हम ज्ञात करेंगे तो 3 से अगर भाग दे रहे हैं तो 3 से ही गुणा करना है, मतलब 3 3 9 हो जाएगी आपकी। ठीक है, अब देखिए 3 से हमने भाग दिया तो यहाँ 3 हम जोड़ देंगे, ये हमें ऐड करनी है यहाँ। तो 3 प्लस 3 6 हो गई। ठीक है, अब यहाँ देखिए हमारा शेषफल कितना बच गया, 2 बच गया। फिर दूसरा जोड़ा हम यहाँ ले आएंगे, 76 हमारा दूसरा जोड़ा है, 76। अब देखिए 6 तो पहले से है हमें, और एक अंक हम क्या यहाँ लेंगे जिससे भाग देंगे, जैसे आपको 63 गुना 3 करेंगे या 64 गुना 4 करेंगे या 65 गुना 5 करेंगे, जो भी अंक लेंगे उसी से हमें गुना भी करना होगा। ठीक है, तो 64 गुना अगर 4 हम करते हैं तो 256 होगा। 64 गुना 4 तो ये हमारा आ जाएगा 256। तो आप देखिए शेषफल कितना बच गया, शेषफल हमारा 20 हो गया। और इधर हम क्या करेंगे, 4 से हमने किया तो 4 जोड़ देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 68। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगला जोड़ा यहां पर उतार लेंगे, तो अगला जोड़ा हमारा है 49। ठीक है, अब देखिए हम फिर किससे भाग दे सकते हैं, 683 गुना 3 अगर करते हैं, 683 गुना 3 तो 2049 हो जाता है, 2049। ठीक है, और हमारा शेषफल जो है 0 बच गया। तो हमारा क्या है, जो हमारा भागफल आएगा, ठीक है, 343 भागफल आ गया, यही हमारा वर्गमूल हो जाएगा। Therefore, ठीक है, वर्गमूल कितना, 117,649 बराबर 343। ठीक है, यही हो गया। चलिए अगला देखते हैं सवाल। देखिए इस सवाल में क्या है, एक संख्या दी हुई है 20,36,329, इसका वर्गमूल हमें ज्ञात करना है। तो इसमें भी वैसे ही हम करेंगे, पहले संख्या को लिख लेंगे फिर जोड़ा बना लेंगे। ठीक है, संख्या हमारी है 20,36,329। ठीक है, अब देखिए जोड़ा हम इकाई ओर से बनाएंगे, इकाई ओर से हमें जोड़ा बनाना है, तो 29 63 03। यहां देखिए अंकों का जो संख्या था वो विषम है, तो एक तो हमारा बिना जोड़ा का रह जाएगा, सिंगल में रहेगा। ठीक है, तो इसे हम वैसे ही भाग देंगे। अब चलिए, तो एक से अगर भाग देते हैं, 2 से करेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा, नहीं दे पाएंगे, तो हम 1 से भाग देंगे, 1 गुना 1 1 हो गया, शेषफल हमारा बच गया 1। ठीक है, तो इधर 1 हम जोड़ लेंगे और ये हमारा हो गया 2। अगला जोड़ा उतार लेंगे तो 0 3 अगला जोड़ा हो गया। अब देखिए किससे भाग देंगे, तो 24 6 96 होता है, 25 25 125, जो कि 103 से ज्यादा है, तो 24 से ही हम दे सकते हैं, 24 गुना 4 तो ये 96 हो गया। अब देखिए हमारा शेषफल कितना बच जाएगा, शेषफल 7 बच गया। ठीक है, 96 और 7 103 होगा। तो इधर हमने 24 प्लस 4 जोड़ लेंगे तो ये 28 हो गया। ठीक है, फिर अगला जोड़ा हम उतार लेंगे, 63 का हमारा अगला जोड़ा। अब देखिए 28 दिया 84 होता है, तो 3 से तो नहीं दे पाएंगे क्योंकि 800 से ज्यादा हो जाएगा,
तो 2 से देंगे, ठीक है? तो 28, 282 गुना 2, तो ये आपका हो जाएगा 564, 564। और शेषफल हमारा जो है, शेषफल 199 आ जाएगा, 199, ठीक है? इधर जो 2 जोड़ लेंगे तो 284 हो गया। अब 199, तो अगला जोड़ा लाएंगे 29 हो जाएगा, ठीक है? अब किससे भाग देंगे? देखिए 7 से आप भाग दीजिए, तो 2847 गुना 7 करेंगे तो 19,929 आ जाएगा। तो हमारा शेषफल 0 हो गया, तो वर्गमूल जो हमारा हो जाएगा 20,36,329 का, ये हो जाएगा 1,427, ठीक है? चलिए, ये तो हमने देख लिया कि कैसे निकालते हैं। अब ये सब तो हमारी पूर्णांक थी, ठीक है? अब मान लीजिए दशमलव संख्या हो, ठीक है? तो दशमलव संख्या में कैसे करेंगे? तो इसमें क्या करते हैं, दशमलव के बाद जो होती है हमको, तो उसमें हमें जोड़ा सबका बनाना ही होता है। अगर अंकों की संख्या विषम हो, दशमलव के बाद अंकों की संख्या विषम हो, तो अंत में हम एक और शून्य लगा लेते हैं, ताकि जो भी दशमलव के बाद अंक होंगे वो जोड़ों में हो, ठीक है? तो जोड़ा करना ही है, शून्य लगाएंगे दशमलव के बाद, तो हमारी संख्या बदलती नहीं है, वो वही रहती है, ठीक है? लगा सकते हैं जितना शून्य चाहे हम, तो हम एक शून्य लगा लेंगे अगर अंकों की संख्या विषम हो तो। यहाँ पर तो देखिए 25, 21, 76, यहाँ सम संख्या है, 6 संख्या है आपका, है 6 अंक है दशमलव के बाद, ठीक है? तो यहाँ हमें शून्य लगाने की जरूरत नहीं है। अब इसे भी हम वैसे ही करेंगे जैसे हम पूर्णांकों को करते हैं। चलिए, तो संख्या को लिख लेंगे पहले, और संख्या हमारी है 176.25, 71, 76, ठीक है? तो इधर 21 से पहले 76 हो गया जोड़ा में, इधर 25, 21, 76, ठीक है? अब देखिए भाग देंगे हम, तो एक है, एक से ही जाएगा भाग, 1 गुना 1, तो 1 हो गया, यहाँ हमारा शेषफल 0 बच गया, तो दूसरा जोड़ा उतारेंगे 76। अब एक में एक जोड़ना है हमें, ये हो गई हमारी 2, ठीक है? अब देखिए 23 या 69 होता है, और 24 6 96, तो 76 है, तो 3 से ही हम भाग दे सकते हैं, तो 23 या 69, ठीक है? अब देखिए कितना आ गया, 69 और 7, 76, 7 हो गया। अब देखिए उसके बाद क्या है, ऊपर अगर हम देखेंगे अगला जोड़ा के पहले दशमलव है, ठीक है? तो इधर हम दशमलव डाल देंगे आपका भागफल में, 1 दशमलव डाल दिए, और इधर तो 23 था, तो 3 हम जोड़ लेंगे, 26 हो गया, ठीक है? अगला जोड़ा लाएंगे और दशमलव डाल देंगे, तो 725 अगला संख्या, यहाँ दशमलव लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो 26, तो 262 गुना 2 कर लेंगे, 262 गुना 2, तो ये आपका हो जाएगा 524, ठीक है? शेषफल हमारा बच जाएगा 201, 201 शेषफल हो गया, और इधर आपका 2 जोड़ लेंगे तो 266 हो गया, 266। फिर अगला जोड़ा उतार लेंगे, 76 है अगला जोड़ा, नहीं 21 है, ठीक है? 201 के बाद 21 हम जोड़ लेंगे, 21। आप देखिए किस अंक से करेंगे, 264, 7 से कर लेंगे, तो 7 से जब भाग देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 18,529, 18,529, और शेषफल जो हमारा बच जाएगा वो 1592 बचेगा, 1592, और इधर 7 जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 2656, 2656, और इधर अगला जोड़ा हम उतार लेंगे, 76 अगला जोड़ा हो गया, ठीक है? और किसे करेंगे भाग, तो 6 से कर लीजिए, तो 26,546 गुना 6 करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1,59,276, 1,59,276,
ठीक है। अब देखिएगा तो शेषफल हमारा शून्य बचेगा, तो हमारा वर्गमूल क्या हो जाएगा, 176.25217 का वर्गमूल हो जाएगा आपका 13.276, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकालते हैं। ओके, थैंक यू।